10.6 पॉलिनॉमिकल बहुपद का इससे पहले आज तक 8 वीडियो बना चुके हैं, जो 3.1 से लेके 3.6 तक आपका 8 वीडियो हो गए। आज 3.6 का क्वेश्चन नंबर दूसरा सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा हम सोल्व देगा आपको HCF लघुतम महत्व समापवर्ती। पहले पढ़ते हैं हम लघुतम, सेम उसका जैसा ही है आपका, जैसे आप पिछला पढ़ा लेसअप है, आज पढ़ेंगे मैसअप है। लेसअप में क्या था, अब मैसअप में क्या होगा, हम उसमें क्या करते हैं अधिक से अधिक घात लेते हैं, इसमें हम छोटी छोटी घात लेंगे, जो कम घात आएगी उसको लेंगे। समझते हैं, निम्नलिखित संख्याओं का महत्व समापवर्ती ज्ञात कीजिए या HCF। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको ए की घात 3, बी की घात 4। इसमें तीन अलग अलग पार्ट्स दे रखे, एक पार्ट, दो पार्ट और तीन पार्ट्स। आप तीनों पार्ट्स को अलग लिख लो, A3 B4, दूसरा पार्ट है A, बी की घात 5, तीसरा A² और बी की घात 8। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको जैसे लिखेंगे, ए कितनी बार है, 3 बार, ए 3 बार है तो ए को लिखेंगे 3 बार, बी कितनी बार है, 4 बार तो बी को लिखेंगे 4 बार, 3 और 4। सेम अगला, ए कितनी बार है, 1 बार और बी आपका 5 बार, 2 बार 3 4 और 5। ए कितनी बार है, 2 बार, ए आपका 2 बार है तो ए को 2 बार लिख दिया, बी आपका 8 बार है, 2 3 4 5 6 7 8। ये लेकिन आया नहीं, लेकिन डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसे आपको आसान से समझ आ जाएगा। फिर दे रखा है, अब देखो एक बार लिख लिया इसको, अब देखो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, इधर भी ए कॉमन आ रहा है, इधर भी ए कॉमन आ रहा है, इधर भी ए कॉमन आ रहा है, तो ए आपका कॉमन आ रहा है तो आप ए को लिख लो, ए कॉमन आ रहा है, कॉमन सब में आ रहा है, ये 4 बार है, 3 बार है, यहाँ 1 बार है और यहाँ पर 2 बार है। हमें लेना कम से कम, न्यूनतम लेंगे, अधिकतम अधिकतम नहीं लेंगे, अधिकतम लेते हैं LCM में, इसमें लेंगे न्यूनतम, कौन सा आ रहा है, ए 3 बार आ रहा है, 1 बार कम से कम 1 बार आ रहा है तो मैंने लिख दिया 1 बार। अब देखो बी भी कॉमन आ रहा है, 4 बार, इधर 3 बार, इधर 8 बार, हम कम से कम लेंगे, बी कितनी बार लेंगे, कम कितनी बार आ रहा है, 4 बार 5 बार 8 बार, 4 बार ले लेंगे, कम से कम 4 बार, ये वाला तो ले लेंगे बी 4 बार। तो ये हो गया ए की घात 1 और बी की घात 4, ये हो जाएगा आपका आंसर। इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है HCF, इसका नेक्स्ट अगला समझते हैं, अगर ये समझ नहीं है तो अगला देखो। अब देखो इसमें दो पार्ट्स हैं, पहला पार्ट है 16x²y², फिर अगला पार्ट है 48x³z। पहले हम इसको टुकड़े करेंगे, 16 के टुकड़े होते हैं, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 4 × 4 = 8, 8 × 2 = 16। 2 के 16 के टुकड़े हो गए, x कितनी बार है, 2 बार, तो x के भी टुकड़े करेंगे x × x, y कितनी बार है, 2 बार, तो y के भी टुकड़े कर दो y × y। एक बार आप सभी के टुकड़े कर दो, फिर नीचे वाले में 48 के टुकड़े, देखो 48 के टुकड़े ऐसे कर लो, 2 का भाग जाएगा 24 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 12 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 6 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 3 बार, फिर 3 का भाग जाएगा 1 बार। इस तरीके से टुकड़े कर लो आप, 2 2 2 कितनी बार है, 4 बार, 2 3 और 4 बार, फिर आएगा आपका 3 कितनी बार है, 1 बार, x कितनी बार है, 4 बार, 1 बार 2 3 और 4। इसके बाद z है कितनी बार है, 1 बार, तो z को भी लिख दो आप 1 बार, ठीक है। अब देखो ये अपना काम करनी है, इसको साफ कर देते हैं, फिर आता आपका देखो। अब इसी तरह हम इसमें लेंगे कॉमन, देखो इसमें कॉमन आ रहा है 2, इधर भी कॉमन आ रहा है 2, कम लेंगे कम, इधर 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, तो कितनी बार आ रहा है, 2 की घात 4 बार, 2 कितनी बार आ रहा है 4 बार, कम से कम आ रहा है 4 और 4 बार लेंगे। अब देखो यहाँ x आ रहा है 2 बार, यहाँ x आ रहा है 4 बार, दोनों में कॉमन आ रहा है, इधर भी x है आपका, इधर भी आपका x है, कम कितने में आ रहा है, x का 2 बार है तो हम कम लेंगे x² x × x। फिर देखो यहाँ y आ रहा है ऊपर वाले में, लेकिन नीचे वाले y नहीं आ रहा तो नहीं लेंगे, नीचे वाले में जेड आ रहा है लेकिन ऊपर वाले में जेड नहीं आ रहा है, तो जो चीज़ दोनों में कॉमन आ रही है और वो कॉमन आने के बाद जो छोटी संख्या रहेगी वो लेंगे, तो आपका देखो 2 2 4 4 8 8 2 16 16, x कितनी बार है, 2 बार, तो x² आपका आंसर हो जाएगा 16x² या x². इसका तीसरा क्वेश्चन हम पहले क्या करेंगे, x² - 7x + 12
एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ये आपका क्वेश्चन है। पहला हम इसको देखते हैं, तीनों अलग अलग वाले, मैंने उसको तीनों को अलग लिख दिया। अब इनके करें टुकड़े, देखो इससे टुकड़े कैसे करेंगे, ये आपका समीकरण है, ये आपको गया समीकरण, ये आपको तीनों समीकरण है, तो हम समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो पहले को आप सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 12, तो टुकड़े करेंगे इसके, तो गुणा करने पे क्या है, एक्स इंटू 12, एक इंटू 12 गुणा करने पे आए 12। देखो इसे बोलते ए, इसे बोलेंगे बी, इसे बोलेंगे सी, गुणा करने पे ए सी के बराबर है, ए का मान लिया कुछ नहीं तो मान लो एक होगा, एक इंटू 12, 12 इंटू लिख दो तो क्या होगा, एक इंटू 12 लिख दो या 12 इंटू 1 लिख दो की बात है, एक इंटू 12 तो गुणा करने पे आए आपका 12, जोड़े या घटाए तो क्या है आपका माइनस का 7, प्लस करो या माइनस करो कितना आना चाहिए माइनस के 7। ऐसे दो टुकड़े करना, 7 के दो टुकड़े करेंगे जिसे गुणा करने पे तो 12 आए और जोड़े या घटाए तो कितना आए आपके माइनस के 7। देखो 3 इंटू 4 क्या होता है, अगर हम 3 माइनस के और 4 माइनस के दोनों को प्लस करेंगे तो जाएगा आपका माइनस के 7, 3 को 4 से गुणा करें माइनस माइनस प्लस, 3 चौक 12, तो ये हो गया आपके टुकड़े, तो टुकड़े हो जाएंगे आपके माइनस के 3 और माइनस के 4। अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस के 3 और माइनस के 4, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 4x और ये प्लस के 12 के प्लस के 12, इस प्रकार ही हो गए इसके टुकड़े। अब लेंगे इन दोनों में कॉमन, इधर वाले में कॉमन, इधर वाले में कॉमन, देखो इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, इधर भी x है इधर भी x है, तो हम 12 लिख देंगे x, कॉमन कैसे लेते हैं, दोनों में सेम होना चाहिए या दोनों में सेम संख्या का भाग जाना चाहिए, यहाँ x का भाग जा रहा है इधर भी x का भाग जा रहा है, x का भाग देंगे x में, x की पावर 2 है, अगर हम x का भाग देते हैं x इंटू x का मतलब 2 बार ये होता है, भाग दें एक x से x कर देगा क्या बचेगा आपका x, तो अंदर लिख दिया मैंने x, माइनस का माइनस, अगले में 3x में देखो 3x में भाग देंगे x का, तो x से x कर देगा क्या बच गया आपका 3, तो बच गया आपका 3। सेम ऐसे इधर भी हम कॉमन लेंगे, माइनस के 4 x प्लस के 12, देखो इधर भी 4 का भाग जा रहा है इधर भी 4 का भाग जा रहा है, तो हम कॉमन ले लेंगे 4, देखो यहाँ आपका आना चाहिए x माइनस 3, तो इधर भी क्या आना चाहिए आपका x माइनस 3 ही आना चाहिए, 4 का भाग 4 में एक बार, लेकिन फिर माइनस का चिन्ह या माइनस के 4 जाएगा, हम इसको ले लेंगे माइनस के, माइनस से माइनस प्लस 4 एकम 4, क्योंकि 4 4 कट गया क्या बचा x, x माइनस का माइनस प्लस माइनस, 4 का भाग 12 में 3 बार, तो आपका आंसर आ गया x माइनस 3 एक बार तो अंदर वाला x माइनस 3 एक बार आपका बार वाला x माइनस 4, इस प्रकार आपके दो आंसर आ गए x माइनस 3 और x प्लस 4, ये हो गया x माइनस 3 और x प्लस x सॉरी x माइनस 3 और x माइनस 4, ये आ गए आपके दो आंसर। इसी प्रकार आपके तीनों का आंसर निकालना है, फिर हम निकालेंगे इसके दूसरे का आंसर, दूसरे में दे रखा है आपका, देखो दूसरा दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 21, गुणा करने पे क्या है या एक के गुणा करने पे 21, जोड़े या घटाए तो क्या है आपके 10, ऐसा टुकड़ा करेंगे। देखो अगर 7 को 3 से गुणा करेंगे 7 या 21, अगर 7 प्लस 3 कितने होते हैं 10, टुकड़े कर लेंगे, टुकड़ा करना मतलब बीच वाले के टुकड़े करेंगे, इन दोनों के गुणा के बराबर होना चाहिए, यहाँ आगे कोई संख्या ही नहीं है, माना एक होगा, एक को 21 से गुणा करेंगे तो 21 आएगा, जोड़े या घटाए पर क्या आना चाहिए बीच वाली संख्या 10, 7 इंटू 3 21, 7 प्लस 3 10, तो क्या करेंगे हम एक्स स्क्वायर टुकड़े कर लिए मैंने 3x और 7x प्लस का 21, देखो माइनस का 3x माइनस 7x जोड़ेंगे दोनों जुड़ जाएंगे 10x, माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, अब इसमें कॉमन लेंगे और इसमें भी कॉमन लेंगे, इनमें कॉमन आ रहा है आपका x, सेम वैसे आ रहा है आपका, यहाँ दो बार तो x बच गया, 3 कॉमन आ गया, 3 बच गया, x कॉमन आ गया बाहर, अब इधर में कॉमन क्या लेंगे 7 ले लेंगे, तो यहाँ ले लेंगे माइनस के 7, माइनस माइनस प्लस, 7 से 7 कट गए बच गया आपका x,
माइनस प्लस माइनस, सात का भाग दे इक्कीस में, तीन बार। तो आपका आंसर आ गया एक बार तो अंदर वाला x माइनस तीन, और एक बार आ गया आपका x माइनस सात बाहर वाला, ये वाला। तो अगला आपका आंसर आ गया x माइनस तीन और x माइनस सात। इसी प्रकार आपको तीसरे का भी ऐसे टुकड़े करेंगे, एक्स स्क्वायर, तीसरा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस का पंद्रह, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस पंद्रह। देखो गुणा करने पे क्या है पंद्रह, जोड़े या घटे तो क्या है आपका दो। क्या हुआ टुकड़ा, तीन इंटू पाँच पंद्रह, पाँच इंटू तीन ले लो या तीन इंटू पाँच, एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स प्लस के पाँच एक्स और माइनस के पंद्रह। देखो प्लस के पाँच में से तीन गए तो प्लस के दो बचेंगे, तीन इंटू पाँच माइनस प्लस माइनस तीन पाँच की पंद्रह। अब लेंगे कॉमन, तो कॉमन आ रहा है इधर x, इधर भी x है तो आपको कॉमन आ गया x, x बाहर आ गया तो एक x बच गया, माइनस का माइनस, x तीन के तीन। फिर अगले में दोनों में पाँच का भाग जा रहा है तो कॉमन लिया मैंने पाँच, तो कॉमन ले लिया पाँच। देखो यहाँ माइनस का आ रहा है तो हमें माइनस का चाहिए, पाँच का भाग पाँच में कट गया, क्या बच गया x, माइनस का माइनस पाँच दिया पंद्रह। तो आपका आंसर आ गया x माइनस तीन और x माइनस पाँच। देखो दोनों में आपका आंसर आ गया x माइनस तीन और x माइनस पाँच। अब क्या करेंगे, अब देखो चुस्सी का कॉमन आ रही वही आपका एस सी एफ होगा। देखो इसमें कॉमन आ रहा है x माइनस तीन, इसमें कॉमन आ रहा है x माइनस तीन, इसमें कॉमन आ रहा है आपका x माइनस तीन, और तो तीनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो आपका एस सी एफ हो जाएगा x माइनस तीन। जो चीज़ दोनों में कॉमन आ रही है वही होती है आपकी एच सी एफ, यहाँ तीन यहाँ भी तीन और x माइनस तीन, तो आपका एच सी एफ हो गया x माइनस तीन। इसी प्रकार इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसका अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा आपको x प्लस तीन का स्क्वायर, x प्लस तीन का स्क्वायर x माइनस दो, और नीचे दे रखा है x माइनस तीन, एक्स प्लस तीन और x माइनस दो का होल स्क्वायर। देखो सेम वही है, यहाँ x प्लस तीन कितनी बार दे रखा है आपका दो बार, तो अब लिख दो x प्लस तीन कितनी बार है, x प्लस तीन, x प्लस तीन स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसको दो बार लिखा होता है, फिर x माइनस दो का x माइनस दो, नीचे वाला लिखा हुआ x प्लस तीन कितनी बार है एक बार, x माइनस आपका दो दो बार, तो लिख देंगे x माइनस दो को दो बार। अब देखो या कॉमन लेंगे तो कॉमन आ रहा दोनों में x प्लस तीन, ये आ रहा इधर भी x प्लस तीन, इधर भी x प्लस तीन, नीचे भी आ रहा आपका x प्लस तीन। कॉमन लेंगे लेकिन छोटी संख्या लेंगे, छोटी कौन सी है, एक बार आ रही है तो हम ले लेंगे x प्लस तीन एक बार, यहाँ आ रहा x माइनस दो एक बार लेकिन यहाँ आ रहा दो बार, हम छोटी लेंगे x माइनस दो, ये हो गया आपका x प्लस तीन और x माइनस दो। तो ये आपका आंसर है, इसे आगे भी कर सकते हो अगर आपको आंसर लाना है, तो x को x इन दोनों गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो भी आपका आंसर जाएगा, अगर ये आंसर आ रहा है तो आपका ठीक है, तो x एच हो जाएगा x माइनस तीन, x प्लस तीन, x माइनस दो। पांचवा क्वेश्चन, चौबीस छः एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स स्क्वायर। देखो पहले इसे हम समीकरण का रूप लिखेंगे, दूसरा इसका दूसरा पार्ट है ये वाला, तो हम दोनों पार्ट को सोल्व कर लेते हैं, ये पहला और ये दूसरा, ठीक है। तो पहले हम देखो क्या देखा, पहले इसको करते हैं, इसको हम समीकरण के रूप में लिखते हैं, तो इसमें जो समीकरण क्या होता है, अगर बीजी व्यंजक पढ़ेंगे तो पावर क्या होगी, x की पावर टू, मानो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा होता है, और सी मान लो आपका एच आर पद, और बी की पावर नहीं होगी, एक्स की पावर वन होगी या एक्स की पावर दो होगी, तो इसे इसके रूप में लिखना पड़ेगा इन दोनों साइडों को पहले। तो इसके पावर लास्ट हमको दो चाहिए अंदर, लेकिन बाकी हमें पावर क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, 24 के 24 लिख देते एक बार। अब देखो इस पूरे में कॉमन क्या आ रहा है, एक्स की पावर कॉमन आ रही है, हमें दो ही चाहिए, तो यहाँ दो चार है दो बार लेते तो हो जाएगा एक्स की पावर दो बार ले लेंगे, तो यहाँ दो बार आएगी अंदर कितनी बच गई, एक्स की पावर दो माइनस, यहाँ तीन है दो बार आ गई तो अंदर क्या बच गई आपका एक्स की पावर एक, तीन में से दो बार आ गई तो एक बच गई आपकी एक्स की पावर वन,
यहाँ x की पावर 2 है, तो 2 के 2 12 के अंदर क्या बचा, सिर्फ 2 बचा आपका। इसी प्रकार उसको भी ऐसे करना है आपको। देखो 20 के 20 अब 12 गए, देखो 6 x की पावर 6 है, हमें कितनी चाहिए, कम से कम x की पावर 2 ही चाहिए। तो x की पावर 6 में से 2 गए, कितने बच के 12, x की पावर 4, ये 6 के 6 आप लिख दो, माइनस 5 है 4 12 गए तो अंदर कितनी बच गई, 1, 4 है 4 12 गई कुछ नहीं बचा तो आपका 1 बच जाएगा। इस प्रकार इसको करना है। फिर इसको टुकड़े करने बीचे व्यंजक की विधि थी, तो कैसा होता है, गुणा करने पे 12, जोड़े घटाएं तो क्या है आपका 1 आना चाहिए। बीचे व्यंजक की टुकड़े करेंगे, गुणा करने पे 12, जोड़े या घटाएं तो 1 आना चाहिए। तो टुकड़े करेंगे 4 इंटू 3, 4 में से 3 गया 1 बच जाएगा, 4 दिया 12, तो 6 का 6 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स ले लो या 3 एक्स ले लो, 3 एक्स माइनस, देखो एक माइनस का लेंगे एक लेंगे प्लस का, तो 4 में से 3 गए 1 बच गया, तो 1 लिया मैंने 4 एक्स और माइनस के 2 की माइनस के 2। अब दो साइड बन गई, 4 नंबर हो गए, दो दो कॉमन हो जाएंगे, इसमें कॉमन लेंगे और इसमें कॉमन लेंगे। पहले लेते हैं इस साइड वाले में, 6 एक्स स्क्वायर में और 3 एक्स में कॉमन लेंगे, दोनों में x कॉमन आ रहा है तो फिर ले लेंगे हम x को बाहर, ठीक है। अब देखो यहाँ 3 का भाग जा रहा है, यहाँ भी 3 का भाग जा रहा है, तो दोनों ले लिया मैंने 3 बार, 3 का भाग 6 में 2 बार, देखो यहाँ x एक बार है यहाँ 2 बार है, 1 बार आ गया तो 1 बच गया आपका अंदर, माइनस का माइनस, 3 एक्स का भाग 3 एक्स में कितनी बार जाता है, 1 बार जाता है तो लिख दिया 1 बार। अब ये संख्या कॉमन आनी चाहिए इधर वाले में, देखो यहाँ आनी चाहिए, तो दोनों में 2 का भाग जा रहा है तो मैं ले लूँगा दोनों में 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 का भाग 2 बार 4 बार और 2 एकम 1 बार, लेकिन यहाँ माइनस आ रहा है यहाँ भी माइनस आ रहा है और हमको चाहिए नहीं, 2 का भाग 4 में 2 बार, x का x 2 का भाग 2 में 1 बार, ये लो इधर वाला हो गया। क्या है आपका आंसर, एक तो आ गया 3x, 3x प्लस का 2 बार वाला, एक बार आ गया दोनों को अंदर सेम है तो एक बार ले लेते हैं 2x माइनस का 1, ये आ गए पहले का आंसर। इधर आपको क्या दे रखा है 24 एक्स का स्क्वायर। इसी प्रकार आपको अगली साइड भी सोल्व करेंगे, अगली साइड में देखो ये 20 दे रखा है, 20 एक्स की पावर 4, 6 एक्स स्क्वायर, तो इसको कर लेते हैं सॉल्यूशन, 20 एक्स को एक बार छोड़ देते हैं, इसको बाद लिख लेंगे, 6 एक्स का पावर टुकड़ा करेंगे, 6 कम 6, गुणा करने पे 6 आना चाहिए, जोड़े या घटे तो क्या आना चाहिए आपके 3 आना चाहिए, तो क्या होगा 2 इंटू 3 तो था 6, लेकिन 2 3 जोड़ेंगे तो 5 जाएगा, तो इसका टुकड़े क्या हो गए कि गुणा करेंगे तो 6 आए, जोड़े तो 2 3 में 5 इंटू 6 कम 6, 6 में एक जाएगा तो 5 जाएगा, 6 कम 6 ये भी नहीं हो रहा कि गुणा करें तो, और क्या हो सकता है 6 का टुकड़ा 3 इंटू 2 6, 3 में 2 गए 3 इंटू 2 5, तो ये भी नहीं हो रहा, और क्या हो सकता है टुकड़ा, और से कोई टुकड़े हो रहे हैं 6 का x में, तो इसके कोई टुकड़े होंगे ही नहीं, अगर टुकड़े होंगे तो अगर सॉल्यूशन हो जाएगा, अगर टुकड़े नहीं है तो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, तो क्या होगा 6 का टुकड़ा नहीं हो रहा गुणा करने में 6, 3 आएंगे नहीं, 2 इंटू 3 ये 6 हो जाएंगे, लेकिन आप 2 अगर प्लस 3 कैसे करेंगे, 5 में से 6 में से एक गया तो 5 बच गया, वो भी नहीं हो रहा, तो इसके टुकड़े होंगे नहीं, तो इसको हम ऐसा कैसा कर लेंगे। अब आया आप, अब 24 के टुकड़े क्या होंगे, 24 के टुकड़े करो आप ऐसे, 2 का भाग जा रहा है 12 बार, फिर 2 का भाग जा रहा है 6 बार, फिर 2 का भाग जा रहा है 3 बार, फिर 3 का भाग जा रहा है 1 बार, 3 दून 6, 6 दून 12, 12 दून 24, 3 की 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसके टुकड़े हो गए 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, या 3 को लास्ट में लिख दो, ये लो 3, और जो x कितनी बार है 2 बार, तो x इंटू x 2 बार लिख दो, और बचा क्या ये वाली संख्या, तो इसको भी लिख दो 3x प्लस 2, 2x माइनस 1, तो ये लिख दिया मैंने पूरे का पूरे। अब उसके टुकड़े हो नहीं रहे, 6 गुणा करने पर 6 कोई हो ही नहीं रहा है, तो इसको हम सेम टू सेम लिख दें। अब 20 के टुकड़े क्या होते हैं, अगर हम 20 के टुकड़े करेंगे तो 20 का आधा 10, 10 का आधा 5,
फिर पाँच का जाएगा एक बार, तो दो इंटू दो इंटू पाँच, दो इंटू दो इंटू पाँच, और x कितनी बार है, चार बार है, तो इसको लिख देंगे x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। अब वो समीकरण पूरी की पूरी हम लिख देंगे छः एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस का वन, क्यों उसके टुकड़े हो ही नहीं रहते आगे, तो हमने इसको पूरा लिख दिया। अब लेंगे कॉमन, देखो इधर भी दो आ रहा है, इधर भी दो आ रहा है, यहाँ तीन बार है, यहाँ दो बार, हमें कम लेना है तो हम ले लेंगे दो की पावर दो। यहाँ x दो बार आ रहा है, यहाँ चार बार, दोनों कॉमन आ रहा है, हम ले लेंगे x की पावर दो, दो को तो चार और x की पावर टू, आपका आंसर हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा चार x की पावर टू, x का स्क्वायर चार x स्क्वायर।